खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कल दिलचस्प नजारा देखने को मिला। चुनावी मंच पर पीएम मोदी पूरे रौ में थे, सीएम ममता बनर्जी पर हमले कर रहे थे, तभी अचानक वो खामोश हो गए, आधी लाइन बोलकर चुप हो गए और कुछ मिनट तक वो खामोश खड़े रहे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, आप समझ गए होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना धारा प्रवाह भाषण आखिर अचानक रोक क्यों दिया। अगर नहीं समझ पाए तो हम बताते हैं। दरअसल खड़गपुर में भाषण के बीच में ही प्रधानमंत्री के कानों में अजान की आवाज पड़ी, वो एकदम खामोश हो गए, पोडियम पर लगे दोनों माइक डाउन कर दिए। भाषण रुकते ही जनसभा में जब मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो प्रधानमंत्री ने समर्थकों को भी हाथ के इशारे से समझाया कि अजान की आवाज थमने तक इंतजार करें। खड़गपुर के बीएनआर मैदान में ये रैली हो रही थी जो गोलबाड़ी मस्जिद के पीछे है। रैली के दौरान अजान का वक्त होने पर जैसे ही मस्जिद से आवाज आई, मोदी ने भाषण रोक दिया। मैं साफ इस बात को समझता हूं, प्रधानमंत्री करीब 5.5 मिनट तक, जब तक अजान होती रही, बिल्कुल खामोश रहे। अजान खत्म होते ही मोदी ने फिर पोडियम पर आके माइक को उठाया और लोगों को भाषण रोकने की वजह बताई। क्षमा करें, अजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। 5.5 मिनट की इस चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक और भाषण दिया। अपने इस कदम से रैली में आए सभी धर्मों के लोगों को इस बात का एहसास दिलाया कि उनके हर सुख दुख में प्रधानमंत्री साथ हैं।